गरीब लोगों का कहीं भी ठिकाना नहीं है। जैसे महिलाओं ने अपनी पीड़ा को बताया, एक डायरेक्टर, एक जॉइंट डायरेक्टर एमएस डिप्टी एमएस हाथ और पाई पे उतर आए हैं। अब ये देखने की बात है कि जिन को एक बाउंसर रखते हैं, और बाउंसर भी ऐसे लोग रखते हैं कि जिन्हें इलाज के सिवा और कुछ नहीं सूझना चाहिए, वो बाउंसर किस लिए रखते हैं। आई एम इनसे जानकारी लेते हैं कि जो भी अपने काम कराने के लिए जाता है, जो हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाता है, उन्हें बाउंसरों द्वारा फेंक दिया जाता है। ऐसी एक हमारे यूनियन के लीडर हैं जो युवास के अंदर हम कर्मचारी यूनियन चला रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहित चौधरी। मोहित चौधरी जी, मोहित चौधरी जी, आप यहाँ क्यों आए? मैं सर इसलिए, मैं आज से मैं 15 फरवरी को भी यहाँ पे आया था। हाँ। मैं परिवार यूनिटी यूनियन इबास से ही हूँ, और हमें जो है मतलब 8-10 महीने से निकाला हुआ है, सिर्फ इस चीज़ को ही लेके कि हम अपना हक मांगते हैं, और जो वहाँ पे अपना हक मांगता है, जो आवाज़ उठाता है, उसे ही वो बाहर कर देते हैं। उनकी ताना सही आप जैसे कि बोनस, प्रोविजनल फंड, जिसका आज तक 10-15 सालों से कुछ पता ही नहीं है। प्रोविजनल फंड के नाम पे जैसे कि ESI, PF, बोनस, अन्य प्रकार की जितने भी भत्ते हैं, ड्रेस अलाउंसेस वगैरह वगैरह, कुछ नहीं मिलता। जो आपको पेमेंट मिलती थी वो वही कैश मिलती थी, या चेक द्वारा मिलती थी, या बैंक में आती थी? पहले सर कैश मिलता था। हाँ। उसके बाद चेक दिया, फिर थोड़ा प्रेशर बनाया, तो उसके बाद फिर अकाउंट में आना शुरू हुआ। तो आपको कैसे पता लगा है कि भाई आप उस हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा, ESI कार्ड होगा, या जो आपका PF वगैरह जमा होता है, या होता है या नहीं होता है? किसी के पास कुछ नहीं था सर। कुछ नहीं है आप लोगों के पास? नहीं। तो आप लोग 10-11 साल से वहीं काम करते हैं, और आपके पास इस तरीके की कोई जिसने भी मांगा उसे ही बाहर निकाल दिया जाता था, कोई बोलता ही नहीं था। तो आगामी योजना क्या रहेगी आप इस धरने को लेके? आप आज ज्ञापन दिया है, कि आप इस ज्ञापन का इंतजार करेंगे, या मतलब आगे और कोई? हाँ, अभी इस ज्ञापन का, जो ज्ञापन दिया है, इसका 4-5 दिन का इंतजार करते हैं, वरना उसके आगे जो भी करना होगा, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़ जाए, मगर इस लड़ाई को हम लड़के रहेंगे और जीत के रहेंगे।